नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर होने वाली है पुलिस की एंट्री। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब कहानी में एक नहीं कई कई ट्विस्ट और भी देखने को मिलते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों विक्रांत की सच्चाई ऐसा तो नहीं है कि विक्रांत फेरे ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर ऋषि ने साफ साफ बोल दिया था और आयुष ने कि हम विक्रांत को किसी भी तरीका से एक्सपोज करके ही दम लेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और ये एक रियलिटी है कि विक्रांत जैसे गद्दार को सज़ा मिलनी भी चाहिए, और उसके लिए इस समय लक्ष्मी ने ये बोल दिया है कि मैं विक्रांत जी के साथ खुश रहूँगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऋषि शांत बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि ऋषि को पता है कि एक ऐसी लड़की की जिसने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर उसके साथ में बुरा कैसे हो सकता है, क्योंकि विक्रांत जैसा शैतान किसी भी तरीका से लक्ष्मी को डिजर्व नहीं करता है। और वाकई में आप लोग जानते ही हैं कि इस समय मलिष्का तो बेहद ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही है, क्योंकि मलिष्का को बेहद ज़्यादा खुशी इसलिए है कि चलो फाइनली अब लक्ष्मी यहाँ से विदा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों विदा होना इतना आसान नहीं है जितना ये लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक आयुष, ऋषि और साथ में लक्ष्मी की बहन सालू और बानी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये किसी भी तरीका से लक्ष्मी को यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि विक्रांत को एक्सपोज करने के लिए अब जल्दी ही आखिरकार जो चाल चलनी थी वो चल चुका है। इस समय विक्रांत के खिलाफ चाल चली है आयुष ने, और आयुष ने बोल दिया है कि विक्रांत एक बच्चे का बाप बनने वाला है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी में एक नहीं बल्कि इस समय कई और भी ट्विस्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सभी लोग थोड़ा नहीं बल्कि इस समय काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही आप लोगों के बीच में कहानी बहुत बड़ा ट्विस्ट रखती हुई नज़र आने वाली है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा।